नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा JEE एडवांस 2020 का रिजल्ट एवं फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम रिजल्ट को किस प्रकार डाउनलोड करना है एवं फाइनल आंसर की को किस प्रकार डाउनलोड करना है के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें JEE एडवांस 2020 रिजल्ट क्लिक हियर एंड फाइनल आंसर की क्लिक हियर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट के संदर्भ में, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एडवांस्ड रोल नंबर दिए गए बॉक्स में एडवांस्ड के रोल नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और फ़ोन नंबर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। फाइनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फाइनल आंसर की फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के संदर्भ में। जैसे इस बिंदु पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। फिजिक्स पेपर फर्स्ट JEE एडवांस 2020 फाइनल आंसर की। इस PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। फिजिक्स पेपर टू। अब बात करेंगे हम केमिस्ट्री के संदर्भ में। जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट JEE एडवांस्ड फाइनल आंसर की। पेपर टू। अब बात करेंगे हम मैथ के संदर्भ में। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने जो आंसर की है डाउनलोड हो जाएगी। मैथ पेपर फर्स्ट JEE एडवांस्ड फाइनल आंसर की। तो इस तरह से हम फाइनल आंसर की को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे JOSS वेबसाइट जो 6 अक्टूबर 2020 से स्टार्टिंग हो रही है और 5 अक्टूबर 2020 से हम EEI में जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके संदर्भ में हम विस्तारपूर्वक चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।